हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ युवा इतनी तैयारी और मेहनत के साथ ये परीक्षा पास कर पाए थे, वहीं पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ये तीनों आरोपी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उनसे कांगड़ा जिला के तीन मंत्रियों के नाम पूछे तो जवाब में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को कांगड़ा जिला का मंत्री बताया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 6 से 8 लाख रुपए देकर पास हुए ये युवक 4 मई को धर्मशाला में दस्तावेजों की जांच के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने शक के आधार पर इनसे कड़ी पूछताछ की। पुलिस ने इनसे पूछा कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन है। आरोपी मुनीश कुमार, मनी चौधरी और गौरव को मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं था। तीनों आरोपी युवाओं ने बत्रा कॉलेज पालमपुर और सेंट पॉल परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दी थी। तीनों आरोपियों में से दो को लिखित परीक्षा से एक दिन पहले 26 मार्च को गगल में टाइप्ड पेपर में प्रश्न और उनके उत्तर रटाए गए थे। काशीराम वेब सॉल्यूशन संस्थान में दोनों युवकों को पूरी रात रखा गया। यहां युवकों को 27 मार्च को आने वाले पेपर में सभी प्रश्न और उनके उत्तर बताए गए। दोनों युवकों के मैट्रिक में 50% से कम नंबर थे, लेकिन कांस्टेबल लिखित परीक्षा में इन्होंने 70 नंबर लिए थे। कांशीराम वेब सॉल्यूशन संस्थान चलाने वाला आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, अभी ये पुलिस के हाथ नहीं आया है। पेपर लीक मामले में आरोपी मास्टरमाइंड ने बड़ी ही चालाकी से पेपर लीक किया है। मास्टरमाइंड ने पेपर लीक करने के दौरान कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। मास्टरमाइंड ने 27 मार्च की लिखित परीक्षा का असली पेपर अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से या हार्ड कॉपी के रूप में नहीं दिया। पैसे लेकर युवकों को सिर्फ पेपर में आने वाले प्रश्न और उत्तर रटाए गए। पैसे का लेन देन सिर्फ कैश में किया गया, कोई भी लेन देन ऑनलाइन नहीं हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को 11 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।